हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, तो आज अपने रेशियो एनालिसिस कॉन्सेप्ट सीरीज का थर्ड सेशन है और आज अपने लोग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को डिस्कस करेंगे। पिछले दो सेशंस में अपने लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग में से अभी तक भी कोई इन वीडियोज को नहीं देखा तो जरूर देखेगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में ऐड कर देगा। स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला के बारे में। सो द फॉर्मूला इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। एक एक कंपोनेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और बाद में इसके ऑब्जेक्टिव को भी समझेंगे। सर सबसे पहले न्यूमरेटर के बारे में बात करते हैं, दैट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स। इसमें हम लोग को क्या करना है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टोटल सेल्स लेना है और टोटल सेल्स में से आपको सेल्स रिटर्न को माइनस करना है। मतलब सर ये जो सेल्स है ना, ये आपका नेट सेल्स। सब टोटल सेल्स कैसे मिलेगा? आप कैश सेल्स ले लो, क्रेडिट सेल्स ले लो, दोनों को ऐड कर दो और उसमें से आप सेल्स रिटर्न को माइनस कर दो और आपको आपका न्यूमरेटर मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने का है। अगर मान लीजिए कभी कोई एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है जिसमें आपको सेल्स का कोई डिटेल ही नहीं दिया और आप सेल्स निकाल भी नहीं पा रहे हो, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो? सेल्स की जगह आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेके अपना सम को प्रोसीड करोगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर सेल्स दिया हुआ नहीं है या आप निकाल नहीं पा रहे हो तो आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लेके भी अपने सम को प्रोसीड कर सकते हो। सर ये तो क्या न्यूमरेटर के बारे में। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर के बारे में, विच इज वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल हम लोग को पता है, वर्किंग कैपिटल में दो कॉम्पोनेंट्स आते हैं, करेंट असेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। लेकिन या तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दे देगा कि ये रहा करेंट असेट, ये रहा करेंट लाइबिलिटी, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और वर्किंग कैपिटल निकाल लो। बट क्वेश्चन डाइसी तब हो जाएगा जब आपको करंट असेट का ग्रॉस फिगर नहीं देगा, आपको उनका कंपोनेंट्स दे देगा, तो आपको उनका कंपोनेंट्स का नाम ध्यान रखना पड़ेगा। तो करंट असेट में क्या क्या आता है? एक तो हो गया आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में ध्यान रखिएगा लूज टूल्स स्पेयर पार्ट्स को आपको कंसिडर नहीं करना है। अगर इन्वेंट्री में लूज टूल्स स्पेयर पार्ट्स है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। थर्ड आपका आ गया ट्रेड रिसीवेबल। अब सर इसमें दो कॉम्पोनेंट आते हैं, डेटर और बिल्स रिसीवेबल, देन कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट, समथिंग लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसा कुछ। अब बात करते हैं सर करंट लाइबिलिटी के बारे में। तो इसमें सर चार कॉम्पोनेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, छोटे समय के लिए आपने लोन लेके रखा है, कोई प्रोविजन है, या मान लीजिए ट्रेड पेबल है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, या फिर अदर करेंट लाइबिलिटी, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह ऐसा कुछ है तो आप उसको यहाँ पे कंसिडर करोगे। तो सर ये हम लोग अभी तक क्या डिस्कस किए? हम लोग अभी तक फॉर्मूला के कंपोनेंट्स को समझे कि सर न्यूमरेटर में आपके सेल्स आता है, सेल्स में हम लोग को नेट सेल्स लेना है। अगर कभी हम लोग सेल्स नहीं निकाल पा रहे हैं तो सेल्स की जगह हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। सर डिनोमिनेटर में वर्किंग कैपिटल, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। अब बात यह आता है सर ये रेशियो हम लोग निकाल क्यों रहे, या इस रेशियो को निकालने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए ये रेशियो बेसिकली वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्किंग कैपिटल को कितना इफेक्टिवली, कितना एफिशिएंटली मैनेज करता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि हर एक रुपए जो आपका वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टेड है, हर एक रुपए जो आपके वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टेड है वो कितना टाइम्स सेल्स प्रोड्यूस करके देता है। क्वेश्चन नंबर वन रीड करते हैं, देखते हैं अपने को क्या निकालने बोला है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को COGS दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, करंट लाइबिलिटी दिया है, प्रॉफिट मार्जिन दिया है, पर ध्यान रखिएगा प्रॉफिट मार्जिन आपको सेल्स पर दिया है, ठीक है। सर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाल के दे दिया, तो फाइंड क्या करना है हम लोगों को? करंट असेट। तो आप अगर आप वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला रिकॉल करो तो ऊपर आपको सेल्स चाहिए और नीचे वर्किंग कैपिटल चाहिए। सबसे पहले पहला वाला कॉम्पोनेंट निकालते हैं विच इज सेल्स। सो वर्किंग नोट वन, यहाँ पर हम लोग सेल्स फाइंड करेंगे। सर सेल्स निकालना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर हम लोग को COGS भी दिया हुआ है और हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, दोनों को वैल्यू प्लॉट करेंगे आंसर आ जाएगा। बट देयर इज अ कैच टू इट, दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स और आपको सेल्स का फिगर नहीं दिया हुआ है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सेल्स को कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे और अपना आंसर निकल जाएगा। तो कैसे करते हैं इसको? कॉस्ट में क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 4 लाख रुपीज। सो वॉट इज योर GP रेशियो? एक बार वापस हम आप लोगों को समझा देते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट एंड दिस इज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स। तो सेल्स कितना दिया हुआ है आपको? 20%, विच इज नथिंग बट 1/5। आप इसको फ्रैक्शन में 1/5 भी लिख सकते हो। और जब ये कॉस्ट में जाएगा
तो डिनोमिनेटर 1 से कम हो जाएगा, इट विल बी 1/4 और 25% एज द केस में भी आप कुछ भी बोल सकते हो. सो व्हाट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट? योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/4 ऑन 4 लाख रुपीस. ये आपका क्या निकल गया? 1/4 ऑन कॉस्ट. आप 1/4 25% कमा रहे हो अपने कॉस्ट पे, मतलब 1 लाख रुपए. तो व्हाट इज योर सेल्स? सेल्स इज रुपीज 5 लाख. सर पहला वाला कंपोनेंट अपने को मिल गया, सेल्स अपने को मिल गया. अब आते हैं वर्किंग कैपिटल पे. सर वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोग को पता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी. सर करंट एसेट तो क्वेश्चन में पूछा है, तो उसके बार एक्स अज्यूम करते हैं. और करंट लाइबिलिटी को हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 90,000, तो उसको डायरेक्टली ले लेते हैं 90,000. एंड दिस इज आवर वर्किंग कैपिटल. अब फॉर्मूला में बैठाते हैं एंड वी शुड बी गेटिंग दी आंसर. सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो शॉर्ट में अगर लिखे तो दिस इज इक्वल्स टू सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल. सो व्हाट इज योर सेल्स? अभी जस्ट कंप्यूट किए 5 लाख रुपीज. एंड व्हाट इज आवर वर्किंग कैपिटल? एक्स माइनस 90,000. अब इसको प्लॉट करते हैं क्योंकि अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज 10 times. इसको बस सीधा प्लॉट करते हैं, 10 इज इक्वल्स टू 5 लाख डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 90,000. लेट्स सॉल्व एक्स. सो दिस इज 10x माइनस 9 लाख इज इक्वल्स टू 5 लाख. 9 लाख उधर जाएगा, तो 10x इज इक्वल्स टू 9 + 5 इज 14 लाख एंड एक्स इज इक्वल्स टू 1 लाख. एक्स इज इक्वल्स टू 1,40,000. तो अपना करंट असेट द आंसर इज 1,40,000. सो व्हाट इज आवर करंट असेट? दिस इज 1,40,000. तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया. कोई डाउट होता है तो प्लीज अपने डाउट्स को कमेंट में जरूर लिखिएगा. चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट अपने को पता है 27 लाख. सर जीपी रेशियो भी दे दिया 25%. अब अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हम लोग हमेशा मानेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज ऑलवेज ऑन सेल्स. ठीक है सर, करंट रेशियो दिया अपने को एंड करंट लाइबिलिटी दिया है. सर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? वही वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. तो एक एक कंपोनेंट को निकालते हैं. सबसे पहला वर्किंग नोट 1, जहां पर हम लोग सेल्स कंप्यूट करेंगे. सर सेल्स कैसे आएगा? वही COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट. सर COGS तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ 27 लाख रुपीज डायरेक्टली दिया हुआ है. तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? सर ग्रॉस प्रॉफिट 25% सेल्स पे. सर 25% इज ऑन सेल्स, मीन दिस इज 1/4. तो कॉस्ट पे कितना आएगा? सर 1/3. तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/3 ऑन कॉस्ट. तो अपने क्या लिखते हैं? 1/3 ऑन 27 लाख रुपीज. सो दिस इज 9 लाख रुपीज. सो दिस इज 27 लाख प्लस 9 लाख इज रुपीज 36 लाख. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेल समझ में आ गया कैसे निकला, कोई दिक्कत नहीं है. अब हम लोग वर्किंग नोट 2 में करंट असेट या वर्किंग कैपिटल कंप्यूट करते हैं. तो दिस इज कैलकुलेशन फॉर वर्किंग कैपिटल. सर यहां पर ना हम लोग को करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट असेट बाई करंट लाइबिलिटी. यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 3 इज इक्वल्स टू करंट असेट. अपने को नहीं पता है, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है, बट करंट लाइबिलिटी दिया है 6 लाख का. तो हम लोग क्या करेंगे? करंट असेट डिवाइडेड बाई 6 लाख. सो करंट असेट इज 6 × 3 = 18 लाख रुपीज. तो सर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वर्किंग कैपिटल आराम से निकल जाएगा. करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी. सो करंट असेट इज रुपीज 18 लाख एंड करंट लाइबिलिटी इज 6 लाख. दिस कम्स टू 12 लाख. अब तो क्या सर, अब तो बस फॉर्मूला में बैठाना है और आंसर डन. TR TO रेशियो, सॉरी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. सो योर सेल्स इज रुपीज 36 लाख एंड वर्किंग कैपिटल इज रुपीज 12 लाख. दोनों को आप डिवाइड करो. सो दिस इज 3 times. सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? सेल्स कंप्यूट किया. उसमें ध्यान क्या रखा कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे होता है, उसको कॉस्ट पे कन्वर्ट किया. फिर करंट रेशियो के फॉर्मूला के हेल्प से हम लोगों ने करंट असेट निकाला और करंट असेट से वर्किंग कैपिटल निकाला. आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है. हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं. क्या दिया? देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रुपीज 1,50,000. सर करंट असेट भी दिया है, करंट लाइबिलिटी भी दिया है, तो वर्किंग कैपिटल तो यहीं पे निकाल लेते हैं. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू रुपीज 25,000, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी. अब सर सेल्स निकालने का कोई तरीका नहीं है, देयर इज नो वे आउट कि हम लोग सेल्स को कंप्यूट कर सकते हैं. हालांकि हम लोग को वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए न्यूमरेटर में सेल्स ही चाहिए, बट यहाँ पे सर सेल्स निकालना पॉसिबल ही नहीं है. तो आप क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कंसिडर करोगे. सो दिस इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, दिस इज कॉस्ट
दैट इज 150,000 डिवाइड बाय 25,000। यही हम लोग अभी पहले डिस्कस किए थे कि अगर आपको सेल्स निकालना पॉसिबल ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये कितना आता है, दिस कम्स टू 6 times। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। कोई डाउट होता है तो अपने डाउट को कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। नॉर्मली इस सीरीज में हम लोग 3 questions को सॉल्व करें, बट आज हम लोग एक और बोनस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक बार प्लीज आप लोग खुद से रीड करिए। अगर आप लोग को लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया, एक बार प्लीज वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का। फिर बाद में अगर आपको लगे तो आप प्ले करके अपने आंसर को टैली कर लेना। प्लीज स्टार्ट करिए आप लोग। करंट असेट दिया है, करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है। तो सर ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ से हम लोग आराम से अपना वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे, विच इज 12 lakhs माइनस 2.4 lakhs, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये तो हम लोग को निकल गया, विच इज 9,60,000। ये हम लोग को मिल गया, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं। अब नेक्स्ट, सर क्रेडिट सेल्स दिया है, कैश सेल्स दिया है और सेल्स रिटर्न दिया। सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अभी पढ़े थे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो न्यूमरेटर में आता है उसको हम लोग नेट सेल्स बोलते हैं। सर नेट सेल्स में क्या आता है, सर टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और सर टोटल सेल्स में क्या आता है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। सर कैश सेल्स दिया हुआ है हम लोगों को, क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न है, सबट्रैक्ट करेंगे एंड वी शुड बी गेटिंग आवर नेट सेल्स। सो व्हाट इज आवर नेट सेल्स, इस इज 24 lakhs प्लस 5,20,000 माइनस 40,000। तो इसको कंप्यूट करते हैं कितना आता है, 24 lakh प्लस 5,20,000 माइनस 40,000, 28,80,000, 28,80,000। ये आ गया अपना नेट सेल्स। और अपने को क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल हम लोग पहले निकाल चुके थे, तो लेट्स फाइंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सो दिस इज 28,80,000 डिवाइड बाई 9,60,000। तो ये कितना आता है, डिवाइड बाई 9,60,000, सो दिस इज 3 times। आप लोगों को बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को डिस्कस करेंगे। तो आई रियली होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।